हेलो गाइज, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो गाइज हम फिर से आ गए हैं आर्क सर्वाइवल की कवर न्यू वीडियो में। तो गाइज आज के हम इस वीडियो में भाई सर्वर क्रिएट करने वाले हैं, और भाई आपको भी पता चल जाएगा कि सर्वर कैसे क्रिएट करते हैं आर्क मोबाइल में। तो गाइज फिर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब करा है तो भाई नीचे रेड कलर का आइकन दिख जाएगा सब्सक्राइब का, उसको क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइज फिर चलते हैं अपने स्क्रीन पर और बताते हैं आपको कैसे भाई आप सर्वर क्रिएट कर सकते हो अपना। और कैसे आपको सबसे पहले इंस्टॉल कर लेना है नेटराडो ऐप, वो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। आप नेटराडो सर्च करोगे आ जाएगा नेटराडो ऐप, वो आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके भाई इंस्टॉल हो जाएगा आराम से। और इसको भाई आपको आईडी इसमें बनाना पड़ेगा ईमेल से रजिस्टर करके, वो तो भाई सबको ही बना लेता है। आईडी बना लेना एंड इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। और इसमें कोई भी सर्वर शो नहीं होंगे, अभी तो हमारा एक 6 स्लॉट का सर्वर है वो शो हो रहा है। और हम गाइस न्यू सर्वर बनाएंगे 20 स्लॉट का। तो भाई 20 स्लॉट का सर्वर बनाने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे ऑर्डर गेम सर्वर में आ जाना है। और इसमें आ जाने के बाद भाई आपको सर्वर का प्राइस देख लेना है, और यहाँ पे होस्टिंग लोकेशन आपको लोकेशन सिंगापुर कर देना है, क्योंकि भाई सिंगापुर में अच्छा पिंग आता है। और यहाँ पे स्लॉट, जितने स्लॉट का आप बना रहे हो, एंड यहाँ पे गेम का नाम सेलेक्ट कर देना है, आर्क सर्वाइवल इवॉल्व स्मार्टफोन एंड मोबाइल, एंड डेज कितने डेज के लिए चाहिए। और यहाँ पे 14.30 US डॉलर लग रहे हैं, जो मतलब 14.30 US डॉलर कटेंगे भाई 30 दिन के लिए 20 स्लॉट का सर्वर बनाने पर। और फिर भाई आपने उसका प्राइस देख लिया सर्वर का, फिर आपको चार्ज अकाउंट करना है। यहाँ से चार्ज अकाउंट करके के बाद यहाँ पे आ जाएगा कंट्री, कंट्री में अदर कंट्री आपको सेलेक्ट कर देना है, इंडिया का ऑप्शन है नहीं। और यहाँ पर ये सारे आ जाएंगे, आप जिससे भी पेमेंट करना चाहते हो उससे कर सकते हो, इसमें भाई गूगल पे वगैरह का ऑप्शन तो है नहीं। तो यहाँ पे मैंने स्क्रिल सेलेक्ट कर लिया और पेमेंट डाल देता हूँ मैं। 14.30 डॉलर लग रहा है तो 20 स्लॉट का सर्वर बनाने के लिए। तो भाई कर देते हैं चार्ज अकाउंट, मैं ऐड कर लेता हूँ जल्दी से। और क्या यहाँ पे अपनी पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है, एंड भाई अपने वॉलेट में ऐड हो चुके हैं 14.66 USD डॉलर। चलो भाई अभी अपन ऑर्डर सर्विस पे चलते हैं और गेम ऑर्डर करते हैं अपना आर्क सर्वाइवल का 20 स्लॉट का, एंड सिंगापुर यहाँ से अपने को 20 स्लॉट का चाहिए भाई। 20 स्लॉट ज़्यादा हो जाएगा शायद, भाई नहीं हो पाएगा भाई, 15 USD डॉलर कट जाएंगे। चलो 20 ही कर देते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे आर्क सर्वाइवल इवॉल्व स्मार्टफोन एंड मोबाइल, एंड भाई 30 डेज। और यहाँ पर फिर से भाई बिल्कुल सारे दिखाएगा कि यहाँ कुछ गलत वगैरह तो नहीं है भाई। एक बार अगर ऑर्डर हो गया तो भाई दोबारा वापस नहीं होगा। चलो भाई यहाँ पे ऑर्डर कर दिया है हमने, और यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है अपना 20 स्लॉट का सर्वर, और ये भाई कुछ ही देर में अभी इंस्टॉल हो जाएगा। एंड अभी रिफ्रेश करके देखते हैं, शायद इंस्टॉल हो गया होगा भाई, अभी नहीं हुआ। एंड चलो भाई हो चुका है अपना ये वाला सर्वर इंस्टॉल, एंड भाई इसके स्लॉट हैं 20, एंड रन टाइम है इसका 11/2/22, मतलब अगले महीने की 11 तारीख तक चलेगा ये वाला सर्वर। एंड भाई इसको मतलब सेटिंग इसकी करने के लिए आपको वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, अब तो ऐप में सेटिंग नहीं होता है, तो भाई आपको सीधे क्रोम में ओपन करा देगा। सेटिंग पर क्लिक करोगे आप अगर, तो भाई ओपन कर लेते हैं अपना क्रोम के अंदर। चलो भाई ओपन हो गई हमारी नेटराडो की साइट, एंड यहाँ से भाई रिस्टार्ट हो रहा है अभी सर्वर, अभी अभी बना है इसलिए। एंड भाई सेटिंग में चलते हैं अपन और सेटिंग चेंज करते हैं, और आ चुके हैं अपन सेटिंग में। चलो भाई यहाँ पे अभी तो नया नया बना है तो सब ऐसे ही है भाई। ये क्यों ऑटोमेटिक बैक हो गया मैं? चलो भाई फिर से चलते हैं, शायद रिस्टार्ट हो रहा है इसलिए अपने को बैक फेंक दिया। एंड सेटिंग्स ओपन हो जाए भाई। चलो भाई ओपन हो गई यहाँ पे सेटिंग्स हमारी, और यहाँ पे सर्वर नेम अपन रख सकते हैं भाई। अभी सर्वर नेम वगैरह सेट नहीं करते हैं भाई, उसमें बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा भाई। आपको बता देते हैं कि इस तरह से आप सेटिंग कर सकते हो अपने सर्वर्स की।
एंड यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में आप डाल सकते हो जैसे सर्वर कोई ज्वाइन करता है, नहीं जब सर्वर जब क्लिक करता है सर्वर पे, वहाँ पे लिखा होता है सर्वर डिस्क्रिप्शन में, जैसे आप एडमिन पास सेल करते हो तो अपना नंबर वगैरह डाल सकते हो। और यहाँ पे वेलकम टाइटल में जब सर्वर के अंदर कोई ज्वाइन होता है पहली बार तो उसको टाइटल दिखता है, उस पर आप लिख सकते हो वेलकम टू सर्वर एंड जो भी आपको लिखना है। और यहाँ पे इनेबल पीवीपी डंजन है, नहीं ये कोई काम का नहीं है। एंड सर्वर इंफॉर्मेशन यूआरएल है भाई, इसमें आप अपने डिस्कॉर्ड या यूट्यूब या व्हाट्सएप का लिंक लगा सकते हो, तो भाई इन्फो पे आप कोई बंदा क्लिक करेगा तो भाई डायरेक्ट डिस्कॉर्ड या जिसका लिंक होगा उस पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पे सर्वर रीजन, भाई रीजन हम कर देते हैं एशिया, क्योंकि इंडिया में एशिया रीजन में ही अच्छी पिंग आती है, बाकी रीजन में तो भाई बहुत ज़्यादा ही पिंग चली जाती है। एंड सर्वर पासवर्ड, सर्वर पासवर्ड आप रख सकते हो अपने हिसाब से, एंड एडमिन पासवर्ड अपने हिसाब से रख सकते हो, तो भाई ये वाला पासवर्ड नहीं रहने वाला है, बाद में चेंज हो जाएगा, तो भाई कॉपी वगैरह मत करना। और यहाँ पर है प्रीमल पास ओनली स्लॉट, मतलब आपके पास अगर प्रीमल पास है और सर्वर वगैरह फुल रहता है तो भाई स्लॉट एक या दो प्रीमल पास वाले कर दो, और तो वो प्रीमल पास वाले बंदे ही ज्वाइन कर पाएंगे जो है एक दो स्लॉट आगे के होंगे। और फिर है भाई सर्वर ट्रांसफ़र सीक्रेट कोड, यहाँ पे कोड डाल सकते हो जो बंदा भाई ट्रांसफ़र करेगा, दोनों सर्वर का सेम होना चाहिए कोड तभी ट्रांसफ़र कर पाएगा बंदा। एंड यहाँ पे डिफ़िकल्टी है, डिफ़िकल्टी अभी के लिए भाई मीडियम है, मीडियम ही रहने देते हैं अभी के लिए। एंड फिर है एक्सपी मल्टीप्लायर, भाई एक्सपी मतलब एक्सपी किस हिसाब से बढ़े आपके सर्वर पे अगर कोई बंदा खेल रहा है, तो वो है यहाँ पे एक्सपी 4x कर देते हैं भाई, सबसे ज़्यादा एक्सपी मिले हर एक बंदे को। चलो भाई यहाँ पे बैक करते हैं एंड 4, चलो भाई 4 कर दिए यहाँ पे। एंड कैजुअल कर देते हैं, सर्वाइवल मोड कैजुअल रहेगा एंड अभी के लिए पीवीई रहेगा, और संडे को शायद पीवीपी होगा, जैसा कि आप लोग बोलोगे वैसा ही करेंगे अपन। एंड भाई मैसेज आ गया था, चलो भाई यहाँ पे अगली चीज़ क्या बोल बता रहा था मैं, यहाँ पे ये पीवीएक्स क्लॉक जोन वगैरह है, ये भाई पीवीएक्स अगर रखते हो तो उसमें सेट करना होता है। एंड यहाँ पे है डिसअलाउ क्राफ्टिंग स्टेशन, और यहाँ पे इसको मतलब डिसअलाउ कर दोगे तो क्राफ्टिंग स्टेशन बाई नहीं कर पाएगा बंदा, और ये पता नहीं भाई ये समझ में नहीं आया भाई, अलाउ करता हूँ डिसअलाउ करता हूँ फिर भी गेम में बंदा कर लेता है। और यहाँ पे है अगैन स्ट्रक्चर डीके, स्ट्रक्चर डीके भी उसी तरह से है भाई, स्ट्रक्चर डीके ऑन कर दोगे तो 7 दिन के अंदर स्ट्रक्चर टूट जाएगा अगर कोई बंदा वहाँ पे नहीं आएगा। एंड यहाँ पे ट्राइब है, ट्राइब में आप कितने बंदे रखना चाहते हो उसकी सेटिंग है। एंड डिसेबल वेदर इफ़ेक्ट, इसको डिसेबल कर देते हैं इससे कि वेदर चेंज नहीं होगा भाई, ऐसे बिल्कुल लाल पीला हो जाता है। एंड अलाउ ट्राइब इम्प्रिंटिंग, भाई यहाँ पे अलाउ कर देते हैं कोई भी ट्राइब का बंदा आपका डाइनो को इम्प्रिंट कर पाएगा। एंड सप्लाई ड्रॉप ऑन एंड टेक सप्लाई ड्रॉप ऑन एंड फ्लायर डैमेज डीबफ, इसको ऑन कर दें आप कर दें ऑफ कर देते हैं इसको। एंड फ्लायर डीबफ इन पीवीई, इसको भी ऑफ ही रहने देते हैं भाई, फ्लायर का स्पीड कम हो जाता है जब कोई इसको डैमेज देता है। एंड राफ्ट का कर देते हैं 5, भाई सबसे ज़्यादा बिल्डिंग लगा पाएगा राफ्ट पे। एंड एक्सपी मैक्स कर देते हैं भाई, 100 लेवल मिलेगा सर्वर ज्वाइन करते ही। एंड भाई कितने 0 हो गए, चलो भाई 1-0 और अभी 100 हो गया है। और यहाँ पे हार्वेस्टिंग मल्टीप्लेयर पे भाई मैक्स कर देते हैं हार्वेस्टिंग। एंड भाई मेटिंग मल्टीप्लेयर, ये भाई इसमें 1 रखना है या 0.1 रखना है भाई पता नहीं, इसमें मैं कंफ्यूज हूँ भाई, इसमें शायद कम रखने पर ज़्यादा बच्चे होंगे डाइनो, मतलब कम टाइम लगेगा मेट करने में, 0.21 रखना होता है इसमें। चलो भाई 0.21 कर दिया है। एंड एक हैच स्पीड भाई 5x एंड बेबी मिच्योर स्पीड, इसको बढ़ा देते हैं भाई 5x कर देते हैं भाई, जल्दी मिच्योर होगा बेबी। और यहाँ पे नीचे है इम्प्रिंटिंग स्पीड, भाई इम्प्रिंटिंग सब कुछ मैक्स कर देते हैं, बिल्कुल फुल्ली मैक्स सेटिंग रहेगा अपने सर्वर का। चलो भाई यहाँ पे डे टाइम स्केल अपना कर देते हैं 0.25
एंड नाइट टाइम स्केल कर देते हैं 3x, एंड क्रॉप ग्रोथ स्पीड इसको भी 5x कर देते हैं, भाई जल्दी स्पीड में ग्रो होंगे अपने क्रॉप प्लॉट वगैरह। एंड यहाँ पे रिस्पॉन, भाई रिस्पॉन मल्टीप्लेयर, मतलब कोई बंदा वुड वगैरह तोड़ के गया वो जल्दी से जल्दी स्पॉन हो जाएंगे न्यू वुड। एंड यहाँ पे डिफिकेशन मल्टीप्लेयर, मतलब ये पूप वाला सिस्टम भाई समझ में नहीं आता है भाई, कम करें तो ज़्यादा बंदा देगा या ज़्यादा करें तो कैसा देगा, तो भाई ये मैं देख लूँगा बाद में, अभी के लिए वन ही रहने देते हैं और तो सारा ठीक ठाक है। अभी सेव कर देते हैं, बस ऐसे ही आपको सेव कर देना है सेटिंग चेंज करने के बाद। चलो भाई यहाँ पर सेव हो चुका है, सेव करने के बाद आपको सीधा भाई इस सर्वर को रिस्टार्ट कर देना है इधर से। जब आप रिस्टार्ट करोगे तभी वो सेटिंग अप्लाई होगा सर्वर पे, नहीं तो भाई अप्लाई नहीं होगा। चलो भाई यहाँ पे रिस्टार्टिंग पे चला गया अपना सर्वर और आ जाएगा भाई। अभी जब नया सर्वर बनाओ तब सर्वर मतलब गेम में आने में थोड़ा टाइम लगता है, तो भाई पता नहीं कितना टाइम लगेगा। और अभी तो 1:36 हो रहा है, शायद शाम तक आ जाएगा सर्वर। चलो निट्राडो पे चलते हैं अभी और देखते हैं भाई सर्वर अपना रिस्टार्ट हो चुका है या नहीं हुआ। और अभी तो नहीं हुआ है, अभी रिस्टार्टिंग पर है, पता नहीं भाई 1-2 लग जाएंगे इसको सर्वर को आने में जब न्यू बनता है सर्वर। और तो भाई अभी वेट कर लेते हैं। एंड वो तो भाई आज की वीडियो में हमने सारा कुछ तो बता दिया कि आप सर्वर कैसे क्रिएट कर सकते हो, एंड इसी तरह से आप भी सर्वर क्रिएट कर सकते हो भाई इजी तरीके से। एंड सेटिंग भी भाई कोई हार्ड वगैरह नहीं है भाई, एक बार समझ में आ जाएगा भाई फिर उसी तरह से सेटिंग भी कर सकते हो आप। तो भाई फिर आज का वीडियो यहीं पर अपन एंड कर देते हैं। और गाइस फिर आपको ये वीडियो कैसा लगा भाई कमेंट वगैरह करके बताना, और भाई आपकी अगर कोई भी क्वेश्चन है तो भाई कमेंट वगैरह में पूछ लेना या फिर डिस्कॉर्ड पे आ जाना, वहाँ पे मैं रिप्लाई कर दूँगा। तो गाइस फिर आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, और गाइस आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और गाइस आप हमारे चैनल पर अगर न्यू हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।